अमित सर जल्दी से मेरे को हैवी मेटल्स में एक या दो सर, या तो कॉपर जिंक या जो भी सर आपका लेड में अगर कुछ लगता हो तो आप उसका भी ले सकते। सर कॉपर अभी 642-70 के आसपास ट्रेड करा रही है, इसका मैजिकल फिगर बेहद ही पास है 640.70, तो ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो 637-627 तक का करेक्शन आ सकता है। कोई बाइंग पोजीशन बिल्डअप करनी तो 627 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 647.80-658 तक का पोटेंशियल है। 666 अगर ऊपर के साइड में कटता है तो 690 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। बाजार एट द मोमेंट साइडवेज है, 640.70 को आधार बनाकर अपनी रणनीतियां बना सकते हैं। रुपए 2 रुपए कैपिटलाइज करिए और मार्केट से मार्केट को एंजॉय करिए। बाजार साइडवेज। जी जिंक में क्या रहा है सर? जिंक सर अभी 293.60 के आसपास का रेट चल रहा है, 294.10 का हाई पोस्ट होके रखा है इसका, 281 का मैजिकल फिगर है, 287.50 और 286.80 के आसपास इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 295 के अगर ऊपर निकलता है, अभी 293.60 का भाव चल रहा है, 295 के ऊपर निकलता है तो एक बार 300 रुपए के पार देखा जा सकता है। एट द मोमेंट बाजार साइडवेज। तो एट द मोमेंट बाजार साइडवेज जिंक की बात कर रहे हैं अमित जी। अमित सर मेरे सर को ऐसे साइडवेज बाजार में पैसा बहुत बनता है। अच्छा दोनों तरफ बनता होगा? दोनों तरफ पैसा बनता है। और रैली तो सर एक्चुअली इंडियन ट्रेडर बोल लो या फिर कोई भी ट्रेडर देख लीजिए आप, कोई भी बहुत बड़ी रैली कभी कैपिटलाइज नहीं कर पाता। और अगर आपको पहले से पता है कि बाजार साइडवेज है तो आप कॉन्फिडेंस रहते हैं अपनी पोजिशन के साथ, बस पोजीशन साइजिंग छोटी होनी चाहिए क्योंकि कब रैली आना चालू हो जाए तो आप लोगों को कहीं बड़ा सफर ना करना पड़े। जी ठीक है, तो ट्रेडर के लिए बाजार साइडवेज या वोलेटाइल होना अच्छा रहता है। वन वे जो रैली कह रहे हैं वो निवेशकों के लिए होती है, उनका तो फायदा है, लेकिन ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि अभी इस तेजी के बाद में कमजोरी आएगी तो मंदी कर दूं, और उसके बाद अगर रैली चलती चली जाती है तो वो परेशान भी होता चला जाता है, तो वो भी एक समस्या होती है। ठीक है,